चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबको पता है कि 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 66 सीटों पर कांग्रेस जीती है। अब जो एक सीट बची है उस सीट पर ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा और ना ही आम आदमी पार्टी। तो अब आप लोगों को लगता होगा कि वो कौन सी सीट है और सीट पर कौन जीता है। उस एक सीट पर हम आपको बता दें कि इन सभी पार्टियों के अलावा एक पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसने वो एक सीट जीती है और कमलेश्वर डोडियार रतलाम जिले की सैलाना सीट से विधायक चुने गए हैं। कौन है कमलेश्वर, इनकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। इससे पहले एक कविता जो हमने लिखी है, जो हमने सुनी है इनके ऊपर, वो बहुत सूट करती है, उसकी कुछ लाइनें हम आपको सुनाते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमलेश्वर ने अभी तक का जीवन कुछ इसी प्रकार से बिताया है और अब वो विधायक बन गए हैं। कमलेश्वर एक आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक वो इससे पहले 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार का मुंह देखा था। फिर समय आया 2023 के चुनाव का, तो कमलेश्वर ने मन तो पहले ही बना लिया था कि चुनाव लड़ना है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे और स्थिति कमलेश्वर की ये थी कि ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं, बरसात से बचने के लिए छत नहीं, परिवार के सभी सदस्य मजदूरी करते थे, कमलेश्वर स्वयं मजदूरी करते हैं। अब लड़ना था चुनाव तो चाहिए थे पैसे, तो चुनाव के लिए कमलेश्वर ने 12 लाख का कर्ज लिया और कुछ कैंपेनिंग करके पैसे जुटाए। कमलेश्वर ने अपना व्यवहार, अपना संबंध सभी से बहुत अच्छे से बना के रखा था। फिर कमलेश्वर ने चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को 4,618 वोटों से पराजित किया। कमलेश्वर को 71,219 वोट मिले और हर्ष विजय गहलोत को 66,601 वोट मिले और यहाँ पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही। ये सीट ज़्यादा चर्चा में जब तब आई जब कमलेश्वर डोडियार विधानसभा में हीरो स्प्लेंडर बाइक से अपने कागजात जमा करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया के लोगों से तमाम प्रकार की बातें की और बताया कि चार पहिया वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो बाइक से ही चले आए। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देखते रहिए खबर टीवी।